अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु जी। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी आपकी दुआ से अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। लेनी है लस्सी सामने वाले घर से। क्या कर रही हैं? खेल रही हैं? खेल रही हैं आप? अच्छा अच्छा माशाल्लाह, खेलो 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 मेरा बेटा खेलो। तो जी लस्सी मुझे मिल गई है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला घर चलते हैं। और मैं अपने छोटे भाइयों को भी समझाता रहता हूँ, अपने मोहल्ले वालों के साथ बना के रखें फिर जो है ना आप भूखे नहीं मरेंगे, ये देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना सबको अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं सबको अपनी माँ बहन समझता हूँ। और मेरे अब्बू के जितने भी एज के बंदे हैं यहाँ पर मेरे विलेज में, तो मैं हमेशा उनको अब्बू ही बुलाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। से सब के साथ जो है ना बनी हुई है, तो इसलिए लस्सी वगैरह मुझे आराम से मिल जाती है। तो कपड़ा मारते हैं, मैं ड्यूटी पे। ये जो है ना अंकल मेरे माशाल्लाह से, आप पहले भी वीडियो में देख चुके हैं, शबाज भैया आज हाथ चढ़ गए हैं कपड़ा लगाओ सही तरीके है। हाँ संडे है ना, शबाज भैया आज चढ़ गए। अंकल मेरे माशाल्लाह से ड्राइवर हैं, से बहुत बड़े आलम दीन हैं, और उनकी ये गाड़ी है जो कि मेरे अंकल ख़ुद चलाते हैं, मौलाना मोहम्मद उमर कुरैशी साहब। तो वैसे कभी कभी जो है ना घर आते हैं, तो रात को मेरे ख्याल में ये सफ़र से आए हैं ये मेरे अंकल के बच्चे, तो वो भी ये क्या चीज़ है तेरी गड्डी है? चलें जी, वो कहते हैं ना ड्राइवर के बच्चे भी ड्राइवर बनते हैं, ये देखें जानी तू ड्राइवर बन से है कहता है यस मैं ड्राइवर बनूंगा, बाबा ड्राइवर है तो मैं भी ड्राइवर। हम कब लेंगे? सब ने, सब यूट्यूबर ने ले लिया, आपका चैनल कब ग्रोथ करेगा? इंशाल्लाह हम भी लेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह देगा। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, मुझे शौक नहीं दुनियादारी का, मुझे शौक नहीं दुनियादारी का, मुझे शौक नहीं बंगला गाड़ी का, मुझे शौक है यारब सिर्फ तेरी यारी का। ये आपके भाई ने शेर लिखा है, ठीक है ना? तो इस वजह से अल्लाह ताला से यारी लगाओ, ये तो आरजी जिंदगी है सब ने ले, फिरोज भाई ने ली हुई है, अल्लाह ताला उनके नसीब करे। और भी यूट्यूबर्स हैं माशाल्लाह जिन्होंने गाड़ियाँ ले रखी हैं, अल्लाह ताला सब के नसीब करे। मेरे चाचू सिर्फ इनके लिए जो है ना ड्राइवरी करते हैं, दिन रात इनके लिए ही कमाते हैं, और उनकी जो है ना तनख्वाह जो है ना मॉडर्न दौर में आज के दौर में भी 12,000 रुपया है। वो सारा दिन जो है ना पर ही गाड़ी चलाते हैं, नौकरी करते हैं। तो है ये चाचू का रूम, चाचू जो है ना रात लेट आए हैं ना इस वजह से सो रहे हैं। चलो बच्चों के लिए मजदूरी कर तो माशाल्लाह अंकल जो ना जा रहे हैं वेदे पैवे। अम्मा जी जो है ना माशाल्लाह से स्पेशल मस्जिद की और बच्चों की तालीम देखने हैं उधर, क्योंकि ये तालीम पहले इस तरह कभी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी कोशिश से जो है ना ये तालीम बच्चों की स्टार्ट की है, अब माशाल्लाह सब के सब पढ़ रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तालीम हो रही है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जो है ना और काम अम्मा जी जो देख रहे हैं जी 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 मेरी अम्मा इंशाल्लाह ताला, अम्मा जी फरमा रहे हैं इससे भी जो है ना हाँ इंशाल्लाह ताला छत भी बनाएंगे और नीचे इंशाल्लाह वो भी पूरा करेंगे। आप दुआ फरमाएं, अल्लाह करे जो हमारा काम रुका हुआ है अल्लाह करे वो जल्दी से स्टार्ट हो जाए। तो ये जो हमारा काम रुका हुआ है छत का सामान और फ्लश वगैरह टूटियाँ वगैरह जो हमें ज़रूरत हैं, तो अम्मा जी फरमा रही हैं कि इसका भी काम जल्दी करवाएं। तो इंशाअल्लाह ताला
तुम मस्जिद पढ़ने के लिए अब आ रहे हो है? चलो चलो जाओ, कारी साहब मारेंगे आपको। जाओ मेरा बेटा पढ़ो, शाबाश। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ शौक इस चीज का है कि मेरे इलाके में सब के सब बच्चे जो है ना कुरान मजीद पढ़े। माशाल्लाह। कारी साहब किसी और चीज की कोई कमी हो, बच्चों के कायदे पूरे ना हो, कुरान मजीद पूरे ना हो, टूटा है ना वो थोड़ा। अच्छा कैप्स बच्चों की। अच्छा जी, अच्छा कारी साहब फरमा रहे हैं कि बच्चों की कैप्स नहीं है, वो अगर हो जाती। चले इंशाल्लाह बेटा कैप्स भी लेते हैं, ठीक है ठीक है। ये जिस तरह ये बच्चे इसने पहना ही हुई है, ये वाली अगर ले लें ठीक है जी, ठीक है चले इंशाल्लाह ताला इस तरह ही लेते हैं। कैप्स रहती हैं बच्चों की, इंशाल्लाह कैप्स भी लेते हैं। बेटा पढ़े आप। तो मेरे विलेज में ऊंट बाजी का भी बहुत ज्यादा शौक है। बच्चे जो है ना क्रिकेट खेल रहे हैं। रब नवाज भाई अस्सलाम वालेकुम। बच्चे जो है ना जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। विलेज के इलाके वालों के साथ मैं कुछ इसलिए भी मोहब्बत करता हूँ ताकि मोस्टली जो है ना नौजवानों को यहाँ पे ऊंट पालने का शौक़ है, फिर उनको लड़ाने का, मुर्गे वगैरह वो लड़ाने का, कुत्तों की दौड़ का, कुत्तों का शिकार का। तो इसलिए मैं चाहता हूँ अब जो नहीं पढ़ सके तो नहीं पढ़ सके, बाकी जो न्यू जनरेशन है उनसे मोहब्बत करके उनको पढ़ाना चाहिए। और इसीलिए मैं जो है ना अपनी मस्जिद के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मस्जिद अल्लाह ताला का घर रहे, जल्दी से बन जाए, तो इंशाल्लाह ताला ये कुरान मजीद की तालीम भी हासिल करें और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ सकें इंशाल्लाह। तो मैंने आपको ये बताया है कि और आज हमने जो जी खाने के लिए हम बना रहे हैं। हाँ जी क्या बना रहे हो आज? दाल। ओके चले आग तो जलाओ। आज जी हम बना रहे हैं, मेरे भैया ने जिस तरह बताया, दाल बना रहे हैं। माशाल्लाह। भैया एक मिनट प्लेट ऊपर दो, अब जो है ना भूख मारो कड़कड़। मैं एक मिनट ठीक है। क्या जो मेरा टॉपिक था वो यही था कि यूट्यूब के जरिए अर्निंग करना, पैसे कमाना। और यकीनन यूट्यूब के ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं, कमा सकते हैं। और फिरोज़ भाई भी माशाल्लाह कमा रहे हैं। और मुझ जैसे आप जितने भी हैं मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और अर्निंग करें। और तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने चैनल इसलिए बनाया अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिए। यहाँ पर जो है ना मगरिब का टाइम हो गया है, खाना भी बनाना है और इंशाल्लाह फिर नमाज की तरफ भी जाना है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल एक न्यू और फ्रेश व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।